देखिए, मुझे एक टैलेंट शोज़ में या कहीं पे भी मुझे एक ऐसी आवाज़ की हमेशा ज़रूरत होती है जिसे मैं यूटिलाइज़ कर सकूं अपने फिल्मी गानों में या कोई भी गानों में। और एक अच्छी आवाज़ जब आपको मिलती है तो वो आपके कंपोजिशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। बस उस कंपोजिशन और उस आवाज़ का मेल होना चाहिए, और वो मेल अच्छी तरह हो, उसकी वजह से हम लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ पर मैं जुड़ा हूँ इनके साथ। और आप रजिस्टर कीजिए अपनी वॉइस को, और बस अच्छे से अच्छे टैलेंट को अच्छे से अच्छा अच्छा ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आज कंपटीशन बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन एक ज़रिया जब परफेक्ट तरीके से जुड़ जाता है और वो आवाज़ और वो संगीत का मिलन हो जाता है, तो उस टैलेंट को कामयाब होने के लिए, स्टार बनने के लिए बहुत बड़ा मौका और फ़ायदा हो सकता है। जो आज IDFC फर्स्ट बैंक प्रेजेंट्स बिग गोल्डन बॉय सीजन 7 वो मौका आपको दे रही है, तो प्लीज़ रजिस्टर ऑन www.bigfmindia.com/BGB पर। इस तरीके से आप बहुत अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, अगर आप गाते हैं, अगर अलग आवाज़ है, अगर आपके सुर पक्के हैं या आपको संगीत में रस है, तो आप बहुत खूबसूरती से अपने यहाँ पर रजिस्टर करके जो 92.7 बिग FM ला रहा है ये आपके सामने, ये कॉन्टेस्ट, ये पूरे शो में आप उस लेवल पर पोजीशन हो सकते हैं कि इमीडिएटली आपकी जो एंट्री है वो फिल्म इंडस्ट्री में हो जाती है। और अगर संजोग बनता है और आप आगे जाते हैं शो में, तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी करियर में आ सकता है। तो उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फुल ऑन अपना बेस्ट देना पड़ेगा, एंड दैट यू शुड गिव, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, एंड इट इज़ फन बीइंग हियर, एंड वी आर गोइंग टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल इन दिस सीजन। मेंटोरिंग में देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि राइट गाइडेंस देना, जहाँ पर उसे कामयाबी मिल सके, उसकी टैलेंट को राइट पोजीशन करना, राइट उसको गाना की जो परख होनी चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में इवेंचुअली हम क्यों सिंगर बनना चाहते हैं। सिर्फ अपने घर वालों को सुनाने के लिए तो नहीं, हम दुनिया को अपनी टैलेंट दिखाना चाहते हैं, जिसके वजह से आपके घर वाले, आपके करीब वाले गर्व महसूस करें कि हाँ, हमारे बच्चे ने ये कमाल का काम किया है। उसकी वजह से आपको, और ऑफ कोर्स खुद का सेटिस्फैक्शन हो, तो जो आपके जोन में आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है उसमें करेक्ट एडवाइस देकर, फिल्म इंडस्ट्री में क्या चलेगा, आपको ऑडियंस कहाँ ज़्यादा मिलेगी, आपकी कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, आपकी आवाज़ किस तरह से ग्रूम हो सकती है, आपकी आवाज़ कौन से गाने को ज़्यादा सूट करती है, कौन से गाने को कम सूट करती है, आपकी आवाज़ में क्या कमी है, उसके मॉड्यूलेशंस किस तरह से होने चाहिए, उसकी सुरों की श्रुतियाँ किस तरह से लगती है, सुर पक्के होने के बावजूद भी सुरों की श्रुतियाँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें एटीट्यूड आपका गाने का करेक्ट होना चाहिए, उस गाने का जो एहसास है वो करेक्ट निकल के आना चाहिए, कॉम्पोजिशन कितनी चेंज करनी चाहिए वेरिएशन के नाम पे या कितनी नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें मैं उन्हें डेफिनेटली गाइड करूंगा और उनकी आवाज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करूंगा। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोसेस क्या होगा उनके लिए जो कि रजिस्टर्ड कर लिया उन्होंने अपनी वॉइस को भी दे दी, इसके आगे की प्रोसेस हम और सारे पूरा पैनल जो है वो डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन आगे जा सकता है, कौन उतना उसे किसी सबकी आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन अच्छी के बावजूद कुछ आवाज़ ऐसी होती है जो सीखना, उसको और सीखने की ज़रूरत होती है, कुछ आवाज़ ऐसी होती है जो और आगे जा सकती है, कुछ आवाज़ जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने के बावजूद भी जो कुछ पैरामीटर्स को नहीं सूट करते, वो पैरामीटर्स वो पैनल में और हम लोग सब मिलके डिसाइड करके देन वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। हमेशा टॉप 10 होता है और इस बार टॉप 7 है, सो वो कितना डिफिकल्ट होगा जजिंग के? ये तो सीजन 7 है, एंड जजिंग करने के लिए डिफिकल्ट वाली बात से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि मुझे और बेटर टैलेंट की हमेशा तलाश रहती है, बहुत नए किस्म की आवाज़ की तलाश रहती है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा वक्त इस तरह से आ गया है कि नई नई आवाज़ एक्सेप्ट हो रही है, हर किस्म की आवाज़ एक्सेप्ट हो रही है। एक
मॉडर्न दर्शन रावल को जब मैंने लॉन्च किया था, तब उस खींच मेरी फ़ोटो में ब्यूटीफुली एक्सेप्ट हुई, तो अमंत्रिका को गोगो गोविंदा में एक्सेप्ट हुई, तो विनीत सिंह को जलते दिए में एक्सेप्ट हुई, तो पलक बिल्कुल क्लासिक प्रेम रतन और जुम्मे की रात दोनों अलग किस्म के गाने गाए तो एक्सेप्ट हुई, अकाशा सिंह खींच मेरी फ़ोटो में हुई, और रानू मंडल एब्सोल्युटली लता जी के जोन में आज के ज़माने में उस किस्म की कन्वेंशनल डिविनिटी वाली वॉइस भी एक्सेप्ट हुई। करेक्ट कॉम्पोजिशन उसे मिलना चाहिए, कैसे मिल सकता है, कौन सा गाना सूट करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कभी भी जगजीत जी को ये नहीं कहा कि आप हनी सिंह की तरह रैप करें, बट हनी सिंह अपनी जगह पर बहुत बड़े स्टार हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि एक फ्रेश सिंगर जो एक स्मॉल टाउन से कहीं से भी आता है, उससे पता नहीं होता है कि कौन सा गाना गाना, उसे जो अच्छा लग रहा है वो गा रहा है, बट उसकी आवाज़ को जो सूट करे, उसकी आवाज़ में कौन से पैरामीटर्स हैं और उसकी कौन सी रेंज बहुत कमाल है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रेंज जाने। कितने सिंगर में एक रेंज ऐसी होती है जो करेक्ट सॉन्ग एंड करेक्ट नोट पर टैप की जाए तो वो सुपरस्टार है, और वही सिंगर अगर एकदम किशोरदा जैसा गाना गा रहा है तो वो करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर वही सिंगर रफीदा का गाना गा रहा है तो बहुत ही कमाल है, और रफीदा वाला सिंगर जो है रफी जी जैसा, वो किशोरदा जैसा गाना गा रहा है तो करेक्ट नहीं है। सो दैट इज़, क्योंकि हर आदमी वर्सेटाइल नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि 5 किस्म के गाने गाए वही ग्रेट सिंगर है, वो सिंगर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर किस्म के गाने तो गा सकता है, लेकिन कुछ गानों को ऐसे गाता है जिससे कोई और नहीं गा सकता, क्योंकि जैसे ही वो होगा कि कोई और उसके जोन में स्टेप नहीं कर सकेगा, उसकी सक्सेस पक्की है, उसके जैसा वहाँ सक्सेस नहीं है, क्योंकि वैसा है तो फिर जैसा चलेगा नहीं, बट इसके जैसा कोई नहीं होगा, वो जोन, हर आवाज़ में एक रेंज होती है, एक प्रोजेक्शन होता है, एक करेक्ट कॉम्पोजिशन होती है जो उसे ले जाती है, वो सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, जितना मुझे नॉलेज है ह्यूमन लेवल पर और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिल्म इंडस्ट्री में काम आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेफिनेटली उन्हें आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि सलमान भाई ने आपको ब्रेक दिया था और कुछ दिन पहले ही अपने मूवी को प्रमोट करने उनके शो पे गए थे जी, उसका एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, सलमान भाई ने हमेशा नए टैलेंट को बहुत आगे लेके गए हैं, मैं एक सीरियल प्रोड्यूसर ही रह जाता अगर वो मुझे आगे नहीं लेके जाते, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया, और कई बातें सलीम अंकल ने मुझे ये बात हमेशा कही है कि भाई आपको जब प्लेटफॉर्म मिला है तो आपको भी आगे लेके जाना चाहिए, और वही हम कोशिश करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कि भाई कोई भी आवाज़ अगर हमारे कंपोजिशन को सूट कर रही है तो वो छोटी है बड़ी है वो ना सोचकर हम उन्हें आगे लेके जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक सुपरस्टार आवाज़ की अपने कंपोजिशन की ज़रूरत है तो आप मत लीजिए, ऑफकोर्स उसको जिस कंपोजिशन की जो डिमांड है, कभी कभी एक कंपोजिशन की डिमांड होती है कि सुपरस्टार सिंगर ही चाहिए तो लेना चाहिए, वहाँ न्यूकमर नहीं लेना चाहिए, और जिस कंपोजिशन की डिमांड एक न्यूकमर है उसमें न्यूकमर लेना चाहिए, चाहे वो न्यूकमर कहीं से भी आता हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्रिएटिविटी ये डिफाइन करे कि आपका सिंगर कौन होगा। यही चीज़ मैंने उनसे सीखी है और यही चीज़ मैं बार बार अप्लाई करता हूँ, इसीलिए इतने नए लोगों को मौका दे सकता हूँ, और मेरी म्यूज़िक कंपनीज सारी भी मुझे सपोर्ट करती है, बिकॉज वो गाने को राइट नहीं होंगे तो गाना भी फ्लॉप हो जाएगा और उनकी करियर भी, गाने के लिए जो वो राइट होंगे उन्हीं को करेक्ट सिलेक्शन करके आपको वो गाना देना है जिससे वो आगे बढ़े, ताकि सबको फ़ायदा हो। हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए मैं बहुत बहुत ही एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द फिल्म। एक होता है कि आई एम पर्सनली हैप्पी विद द फिल्म, एंड अभी 31st को जब आएगी पिक्चर तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को कितनी अच्छी लगती है फिल्म। एक लव स्टोरी बहुत टाइम से नहीं आई है, म्यूज़िक आप लोगों ने बहुत पॉपुलर कर दिया है, बट सिर्फ एक सुपरहिट म्यूज़िक या एक गुड लुकिंग फिल्म जो स्कॉटलैंड में शूट हुई है, बहुत स्टाइलिश फिल्म है, अच्छी दिखती है पिक्चर, सब अच्छे लग रहे हैं, वो नहीं है, बट एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है, खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, और कुछ लेके जाएंगे एक स्मॉल टाउन से जो लड़की ही रंधावा की जो इट्स अ जर्नी इनटू अ वुमेन्स हार्ट, यू नो, कैसे वो ज़िंदगी को अपने लाइफ पार्टनर को देखती है, और ज़्यादातर लड़के आजकल फ्रेंड जोन बहुत हो जाते हैं, तो देखते हैं कि भाई फ्रेंड जोन वाला लड़के के पास फाइनली ही रंधावा आती है, यानी हैप्पी सिंह के पास, या वो हार्डी के साथ जाती है, जो सक्सेस है, बिकॉज ज़िंदगी में कई सवाल खड़े होते हैं कि प्यार ही शादी की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर प्यार के साथ सक्सेस भी। ज़्यादातर लोग कहते हैं सिर्फ प्यार से ही काम चल जाता है, आई होप हमारी पिक्चर का क्लाइमैक्स यही हो, लेट्स सी। सर, आप बिग बॉस हाउस में गए थे तो ये भी खबर आ रही है, आपने बहुत लोगों को ब्रेक दिया है, सो बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आसिम को मिला है, मैं तो अपना कुछ टास्क उनसे करवाने गया था, वो मैंने किया, अपनी पिक्चर प्रमोट की भाई के साथ, उसके बाद ऐसा ब्रेक की तो इस वक्त कोई बात नहीं है। थैंक यू, चलिए, थैंक्स।